हेलो दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का पी साइड का ट्रेड है। तो यहाँ पर एक व्यू मेरा था कि मार्केट नीचे आएगा, और इसलिए फिर मैंने एक क्वांटिटी ली थी। और यहाँ पर मैंने एक सर्कुलर ट्रेंड लाइन भी निकाली है। ये फ्यूचर्स का मैप है, तो यहाँ पे मैंने ऐसा सर्कुलर ट्रेंड लाइन निकाला है। और मेरा व्यू है कि इस लाइन तक मार्केट आएगा और वहाँ पर मैं एग्ज़िट करूँगी। तो आपको क्या है, बस मार्केट में जो चार्ट का पैटर्न होता है, उस चार्ट के पैटर्न को ऑब्ज़र्व करना है, और कैंडलस्टिक का बिहेवियर आपको समझना है। और जैसे ही आपको पैटर्न का नॉलेज होगा, वैसे आप ट्रेड पर पोजीशन बना सकते हो कि कहाँ आपको निकलना है और आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। तो ये सारा जो है वो एक्सपीरियंस से ही आता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट यहाँ तक आएगा, तो इसलिए फिर मैंने ये ट्रेड को होल्ड किया। और वहाँ तक आने में टाइम लगा, एकदम से नहीं आया। आप देख सकते हो बीच बीच में एक बड़ी सी कैंडल भी आई है, पर जो रिदम के साथ वो नीचे आ रहा है, ऐसे ओवल शेप से जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और वो जो रिदम से नीचे आ रहा है, वही फिर मैंने इस ट्रेड को, जहाँ पे मैंने लाइन खींची थी वहाँ पे मैंने इस ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया है। तो आप देख सकते हो एग्ज़िट कर दिया है इस ट्रेड को मैंने। तो मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे करीबन 38 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं। 38 पॉइंट्स